जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। दोस्त, आप सब की फिजिकल की अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। साथियों, आप सब जानते हो, जैसे कई दिनों से वीडियो मैंने भी बनाया था कि टीए भर्ती आ रही है। साथियों, सारे बंदे भी, कुछ बंदे जो जिन पे विश्वास था, जो विश्वास करते थे वो फिजिकल में लगे थे, लेकिन जो विश्वास नहीं करते थे बोले सर जी आप फेक वीडियो बना रहे हो। लो, आ गई टीए भर्ती। आपको कितना मिला? 1 महीने का टाइम मिला है। अब 1 महीने में आपको क्या क्या करना है आप ही जानो। इसीलिए मैंने 2-3 महीने पहले वीडियो बना के डाल दिया था कि टीए भर्ती आ रही है। तो आप सब बोले कि सर जी फेक व्यूज के लिए कर रहे हो, ये कर रहे हो, पूरे दुनिया भर का आपने अफवाह उड़ाया। और भी यूट्यूबर जो थे उन्होंने बताया कि टीए भर्ती ही नहीं आएगी, किसी ने बताया था। साथियों, टीए भर्ती आ चुकी है। जब से ये नोटिफिकेशन वायरल हो रहा था साथियों जोन 2 का, तो सब बंदों ने कमेंट कर रहे थे सर जी आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो साथियों, इसमें भी हमें कुछ दिक्कतें लग रही थी। मैं उनके पास भेजा वेरीफाई होने के लिए। उन्होंने बताया 8 घंटे बाद जब मैसेज देखा तो उन्होंने बताया कि सर ये डॉक्यूमेंट, ये नोटिफिकेशन सही है। फिर मैंने उनसे बात की कि ये नोटिफिकेशन जब सही है तो वैकेंसी आप सर बोले थे कि ठीक ठाक आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं वैकेंसी भी कम नजर आ रही है। जी हाँ, कम नजर आ रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने क्या बताया, लास्ट तक बताऊंगा कि वैकेंसी क्यों कम आ रही है। साथियों, बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, दायरे में सिमट के आएगा। साथियों, दायरे में सिमट के आएगा, हर रिवायत से हट के आएगा। साथियों, दायरे में सिमट के आएगा, हर रिवायत से हट के आएगा। आधियों को जरा खबर कर दो, भर्ती वालों को जरा खबर कर दो, आर्मी के चीते फिर पलट के आएंगे। आर्मी के चीते साथियों फिर पलट के आएंगे। जैसे साथियों आप सब जानते हो, जब से अग्निवीर लागू हुआ आंखों ने अच्छी टाइमिंग वाले चीते देखने को नहीं मिले। साथियों, वो चीते अब नहीं मिलते जिन्होंने 4:40 4:42 पे खत्म कर देते थे, ग्राउंड ग्रुप ही खत्म कर देते थे। लेकिन साथियों, अब वो मौका आ गया है, आप सब अच्छे से तैयारी करो। मैं जानता हूं जिसकी रनिंग 5:05 रहेगी उसकी क्वालिफाई हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन उतना नहीं है। ठीक है भाई, आइए साथियों नोटिफिकेशन पे बात करते हैं। साथियों, जैसे आप सब ने देखा ये नोटिफिकेशन आप सबके पास चला गया था, लेकिन फिर भी हमारे पास बंदे कमेंट कर रहे थे सर जी आप क्यों कुछ नहीं बता रहे हो। मुझे भी एक डाउट लग रहा था यार, मैंने भी देखा जब, हाँ सबसे पहले बता दे रहा हूँ, ये 63-94-72-83-56 ये हमारा आप इसका नंबर है। आप कॉल करके, पर्सनल मैं ही कॉल उठाऊंगा, आप बात कर सकते हो। हमारी फिजिकल की एकेडमी भी चलती है, आपका रहना खाना डाइट और हॉस्टल की फीस है, कोई चार्ज नहीं लगता, सारी चीजें वो फ्री है। सिर्फ आपका रहना खाना डाइट और हॉस्टल की फीस लगती है और कोई भी चार्ज नहीं, ना ही एडमिशन फीस है, ना ही ट्रेनिंग फीस है, कोई भी चार्ज नहीं लगता। अगर आपको आना है दोस्त आ सकते हो, दबा के मेहनत चल रही है। मैं कहता हूं अगर 1 महीने में अगर आपको रेस क्लियर करनी है तो आप आ सकते हो। ठीक है भाई, आइए साथियों नोटिफिकेशन, हमें कहां डाउट था इसीलिए मैंने वीडियो लेके नहीं आया, जब क्लियर हो गया वेरीफाइड तब। ये साथियों आप देख सकते हो, जो आपने देखा 12 नवंबर, क्या है 12 नवंबर 2024, 27 नवंबर 2024, ये नोटिफिकेशन जो था साथियों इसमें मोटी हेडिंग से लिखा हुआ था। इस पे मुझे डाउट हुआ, कहीं ना कहीं कोई करेक्शन करके तो नहीं अपडेट कर दिया है, कोई कहीं ना कहीं करेक्शन करके अपडेट तो नहीं कर दिया है। फिर उन्होंने बताया, फिर हमें भी दिक्कत थी, जब उनके पास भेजा तो ये सारा डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशन उन्होंने क्लियर किया, सर ये नोटिफिकेशन सही है। जैसे आप सबको मैंने बहुत, यानी कि 8-10 दिन से पहले एक व्हाट्सएप चैटिंग आपको स्क्रीनशॉट मार के बताया था। उन्होंने कहा था सर जी बहुत जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा, नवंबर में 100% भर्ती क्लियर है, नवंबर में ही होगी। साथियों आप देख लो, नोटिफिकेशन भी आ गया। लेकिन मैंने जब उनसे बोला कि सर जी ये वैकेंसी कहीं ना कहीं कम नजर आ रही है, उन्होंने बताया सोल्डर जनरल ड्यूटी में 108 पोस्ट है साथियों, 7 है 5 है 1 है 1 है 5 है 4 है 1 है 1 है, टोटल 133 पोस्ट है। कितनी है प्यारे लाडले? 133 पोस्ट है। उन्होंने बताया सर जी ये इसलिए इतनी पोस्ट कम दे रहे हैं, अभी वेरीफाई के लिए दे रहे हैं, लेकिन जब भर्ती कराई जाएगी लेकिन इससे ज़्यादा बंदे भरे जाएंगे। मैं फिर उन्होंने बताया कि सरकार का पूरा उद्देश्य था। साथियों मैं किसी सरकार से लेना देना नहीं है क्या है क्या नहीं, लेकिन सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ, पूरी हिम्मत के साथ बोलूँगा, पूरी हिम्मत के साथ बोलूँगा, जो सही है वो बात
बात बोलूंगा, पूरी पूरी हिम्मत के साथ बोलूंगा, जो सही है वो बात बोलूंगा। साहिबो हम तो कलम के बेटे हैं, कैसे दिन को रात बोलूंगा, कैसे दिन को रात बोलूंगा। साथियों उन्होंने बताया, सर ये जो टीए वैकेंसी थी 4 से 5 साल क्यों नहीं है, सरकार का पूरा उद्देश्य था इसको भी 4 साल करने के लिए। जब इसको बोले 4 साल करने के लिए, टीए वैकेंसी तुरंत मना कर दी कि मैं 4 साल वैकेंसी नहीं कराऊंगा, भर्ती ही नहीं लूंगा। फिर इन्होंने बताया कि 7 साल के लिए करेंगे, तो इन्होंने तब भी टीए तब भी नहीं माना कि मैं 7 साल की वैकेंसी कराऊंगा। तब जब हार गए, फिर जिद पे आ गई सरकार, तो मैं 7 साल करके रहूंगा। टीए ने बताया कि जब मैं वैकेंसी कम लेता हूं तो आपको परमानेंट ही रहने दो। जब मैं वैकेंसी ही कम ले रहा हूं, जब गिन के ले रहा हूं 3 से 2 हजार 2.5 हजार वैकेंसी ले रहा हूं, तो क्यों इसमें आप 4 साल 7 साल की बात कर रहे हो। फिर इन्होंने क्या किया, तो टीए क्या किया, सरकार के ऊपर एक मुकदमा करा। मुकदमा करने के बाद साथियों ये जब मुकदमा जीत गए तो ये वैकेंसी क्लियर की है। ठीक है, ये वैकेंसी प्यारे लाडले आप सब के लिए, अगर आप 18 साल से हो गए तो 60 साल तक सर्विस करोगे। कितने साल तक साथियों, 60 साल से सर्विस करोगे। वैकेंसी बहुत अच्छी है। पेमेंट जो बच्चे बता रहे थे, सर जी पेमेंट कब कितना है क्या है, साथियों मैं यही जानता हूँ, जो आपके आर्मी के जो परमानेंट बंदे हैं उनसे ज़्यादा आपकी पेमेंट रहती है, ये जान लो। जो परमानेंट जवान होते नहीं है, जो भर्ती पहले होती थी अग्निवीर से पहले परमानेंट वाले, उनसे ज्यादा आपकी सैलरी रहती है, ये जान लो अच्छे से। ठीक है भाई, और भी साथियों जिसे आप देख सकते हो, सारी ने आप सबने बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, आप सबने देख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी बच्चे जो बंदे जो कमेंट कर रहे हैं, सर जी डॉक्यूमेंट का वीडियो कब लेके आओगे, साथियों मैंने भी स्लिप मांग चुका हूं उनसे, जैसे आ जाएगा स्लिप, जैसे आज या कल, आज ही आ जाएगा, बोले हैं शाम तक मैं भेज दूंगा। जब भेज देंगे मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझा सकूंगा। लेकिन हाँ ये टेंशन मत लो भाई, वैकेंसी बढ़ेगी। ठीक है, वैकेंसी 100% है बढ़ेगी। ठीक है, अगर नहीं बढ़ी तो बताना। ठीक है, वैकेंसी बढ़ के आएगी, इसके लिए आप अच्छे से ढंग से मेहनत करो, जो हो सकता है वो मेहनत करो। ठीक है साथियों, जो कहते थे कि इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, वो इस बात से खुद से कि हमसे लब ना खोला जाएगा, अरे उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, हम तो आर्मी वाले जीते हैं, खुल के जीते हैं। ठीक है भाई, आइए साथियों, और भी कोई भी दिक्कत हो आप कॉल करके पूछ सकते हो। अगर एकेडमी में आना है तो भाई आप आ सकते हो, नोटिफिकेशन आपके सामने है, भर्ती पूरी क्लियर हो चुकी है। सिर्फ आपको अभी इसके ग्रुप के बारे में बहुत सारी वीडियो बनानी है। अभी भी दोस्त चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथियों 7 PM पे, साथियों 7 PM पे हमारी प्रैक्टिस सेट की क्लास भी चलती है साथियों, हर रोज चलती है साथियों। ये प्रैक्टिस सेट में साथियों ना जुड़े, ये सिर्फ 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के रहते हैं, 30 क्वेश्चन GK GS के रहते हैं, 30 क्वेश्चन जो GK GS के रहते हैं उसमें साथियों GK GS में 30 क्वेश्चन प्लस एक कम से कम 180 या 200 के आसपास सराफा सर क्वेश्चन लेके आते हैं। फिर उसके बाद आप जानते हो रंजीत सर जादूगर कहे जाते हैं मैथ के साथियों, ट्रिक से बेसिक कैसे भी आपको समझाने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। अगर आपको ऑफलाइन क्लासे लेनी है, सब कुछ निःशुल्क है, सिर्फ आपका रहना खाना डाइट और हॉस्टल की फीस है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है भाई, अब मेहनत में लग जाओ, कहीं भी हो कुछ भी हो मेहनत में लग जाओ। इस बार कंपटीशन उतना नहीं होगा, लेकिन जो नेक्स्ट भर्ती आएगी 2025 में उसमें साथियों दवा की कंपटीशन रहेगा। अगर आपको नौकरी लेनी है, 1 महीने में बंदा कितना भाग लेगा यार, कुछ नहीं भाग पाएगा। ठीक है, अगर आपको आना है आ सकते हो। ठीक है भाई, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।